अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं मिर्ची फ्राई। दो कप बेसन लिया है, इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड कर देंगे, एक और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। टोटल हो गया 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। अब पानी से इसको मिक्स करेंगे। देखिए इतना बिल्कुल परफेक्ट है, ये कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट भी ऐड कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे और रख देंगे इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए। 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, 3 टेबलस्पून तिल ली है, गैस ऑन कर देंगे और इसको भून देंगे, ड्राई रोस्ट करके पीस देंगे इमली के साथ। जैसे ही थोड़ा सा क्रैकल होने लगा मैंने गैस ऑफ कर दिया है। आधा कप मैंने इमली भिगो कर रखा था, मिक्सी में डाल दिया है। जो मैंने ज़ीरा और तिल भुना था वो इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है टेस्ट के लिए। मैं इसको पीस दूंगी। इमली, तिल और ज़ीरा पीस दिया है मैंने, ये इस तरह से डब्बे में भर के रखेंगे। जब भी आपको मिर्ची फ्राई करना हो आप इसको भर कर इसमें फ्राई कर सकते हो। बीच में से हम पहले मिर्ची को कट करेंगे, छुरी से लेंगे और इसमें मसाला डालेंगे। इस तरह से हम सारी मिर्चियों में मसाला भर देंगे। इस इमली की चटनी को आप फ्रिज में रख के 1 महीने तक यूज कर सकते हो। तेल गरम हो गया है कढ़ाई में, बेसन लेंगे, मिर्ची डिप करेंगे, फ्राई करते जाएंगे। लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी बेसन की। एक साइड से गोल्डन हो गई है, क्रिस्पी हो गई है, दूसरी साइड टर्न कर देंगे, दूसरी साइड भी गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं, इनको निकाल देंगे। मिर्ची फ्राई तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।